नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार राणा और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी नौ भारतीय नौसेना SSR की। हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो बहुत सारे क्वेश्चन डाउट यूट्यूब पर भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी है। बहुत से स्टूडेंट्स भटक रहे हैं इधर से उधर, तो मैं इस वीडियो में क्लियर आपको आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है? पूरा एकदम 100% श्योर, ठीक है? और आगे क्या होने वाले हैं उसकी भी हम न्यूज़ देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर देना और मोटिवेशन भी मिलता है मुझे। और इस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना। चलिए वीडियो को हम शुरू कर दें। तो दोस्तों, पिछली बार की तुलना में जो इस बार जो नेवी SSR की जो वैकेंसी आएगी वो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है, ठीक है? और इस चैनल पे मैं आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, पिछली बार जो वैकेंसी में ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हुई थी और इस बार भी चांस है ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की, ठीक है? आपको हम क्लियर बता दूँ, इस बार भी ऑफलाइन है चांस होने की एग्ज़ाम, ठीक है? होने की 100% चांस है, क्योंकि पिछली बार की जो अभी तक मेरिट लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट अभी तक आ रहे हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं है और उनके पास उतना टाइम नहीं है और उनके पास उतना सीट भी नहीं है उनके पास उतना सीट नहीं है इसी कारण वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है? ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम लेने लगे तो क्या होगा? ऑनलाइन अगर लेगा ना, अगर ऑनलाइन लेगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो मेरिट लिस्ट आता है वो तो आएगा ही है, पर आपको एग्ज़ाम में बैठने की चांस मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई कर देती है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के कारण, और ऑनलाइन जब लेगी तो कट ऑफ थोड़ा लो करेगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। और एक बात, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो लेती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ठीक है? वो कोई पैसा नहीं लेता है, ठीक है? और ऑनलाइन जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपसे पैसा लिया जाएगा। अगर इस बार फॉर्म फिलअप में आपका पैसा अगर जा रहा है, यानी कुछ पैसा ले रहा है वेबसाइट, कुछ पैसा ले रहा है सेलर के द्वारा, तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। मेरे अनुसार जो एग्ज़ाम होगी वो आपका ऑफलाइन होगी, ठीक है, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर होती भी है तो फ़ायदा होगा लो परसेंटेज कट ऑफ वाले के लिए, ठीक है? मैं तो आशा करूँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन इस बार ऑफलाइन होगी और इसके जो नेक्स्ट आएगी वैकेंसी उसमें ऑनलाइन ले सकती है अगर यह स्ट्रिक्ट नोटिस लिया गया तो SSR के द्वारा, ठीक है? तो इस बार आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है? कट ऑफ तो वही उठाएगा, फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे आती है नोटिस हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं।